हेलो ऑल, वेलकम बैक टू रियल होम मेकिंग। दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और दिवाली का मतलब ही होता है बहुत सारी सेलिब्रेशन। हमारे घर बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं और हम बहुत सी पॉटलक पार्टीज भी प्लान करते हैं। सो दिस दिवाली आई थॉट ऑफ शेयरिंग सम अमेजिंग रेसिपीज विद यू ऑल दैट यू कैन ईजिली ट्राई आउट फॉर योर पार्टीज एंड गेट टुगेदर्स। जब भी आप कोई पार्टी प्लान करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि आप डिटेल में अपना मेन्यू प्लानिंग कर लें। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पीपल कमिंग टू योर पार्टी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल जॉइनिंग यू, और अगर बच्चे भी आपकी पार्टी में आने वाले हैं तो आपका मेन्यू इस तरीके का होना चाहिए जो कि बच्चों को भी अच्छे से अकोमोडेट कर ले। तो मैंने अपने मेन्यू में पंजाबी छोले और जीरा राइस रखा है जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और वो बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। और जब आपका मेन्यू तैयार हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप कुछ प्री प्रेपरेशंस कर सकते हैं, माइट बी अ डे बिफोर और इन द मॉर्निंग अगर आपके गेस्ट डिनर के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, मेरा मेन्यू बन चुका है और इसे मैं अपनी किचन में स्टिक कर लूँगी जिससे कि ये मेरे लिए चेकलिस्ट बन जाएगी और मैं इसे देखते देखते आसानी से कुकिंग कर लूँगी। और बेस्ड ऑन दिस मेन्यू मैंने यहाँ पे कुछ प्री प्रेपरेशंस करके रख ली हैं, तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ट्रे में मैंने अपने पनीर लबाबदार के लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। दो टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, 1 इंच जिंजर पीस, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। यहाँ पे मैंने लौंग ली हैं 4 पीसेस, 2 मैंने इलायची ली हैं और यहाँ पे मैंने 5 से 7 काजू लिए हैं और हैंडफुल ऑफ पम्पकिन सीड्स लिया है। और इसी तरीके से दूसरी ट्रे में मैंने मूली के लच्छों की तैयारी करी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक टमेटो चॉप करके रख लिया है, एक हरी मिर्च चॉप करके रख ली है और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने चॉप करके रख लिया है और यहाँ पे मैंने मूली को भी ग्रेट करके रख लिया है। और बूंदी के रायता के लिए मैंने बूंदी को भी फ्लफ होने के लिए रख दिया है और राइस के लिए मैंने राइस को सोक कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अपनी दोनों सब्जियों के लिए ग्रीन चिलीज को चॉप कर लिया है। मैंने अराउंड 5 to 6 ग्रीन चिलीज चॉप की हैं। एक टमाटर चॉप कर लिया है छोले बनाने के लिए और यहाँ पे मैंने 2 अनियंस को रफली चॉप करके रखा है अपनी दोनों सब्जियों के लिए। इसे अभी मैं फाइन चॉपिंग करूँगी इसकी विद द हेल्प ऑफ चॉपर। और यहाँ पे मैंने छोलों को भी बॉईल करके रख लिया है और जब मैंने छोले बॉईल करे थे तो एक टी बैग इसके अंदर डाला था। टी बैग से इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले भी निकाल के रख लिए हैं जो कि आज मुझे कुकिंग में चाहिए होंगे। तो चलिए इसी के साथ कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ पनीर लबाबदार। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और जब तक पानी बॉईल होगा तब तक मैं यहाँ पे 1/2 अनियन को फाइनली चॉप कर लूँगी इस चॉपर में अपने छोले बनाने के लिए। तो देखिए, विद इन सेकेंड्स कितना फाइन चॉप हो गया है मेरा अनियन और अब मेरा पानी भी बॉईल हो गया है। तो इसके अंदर मैं सारा सामान डाल दूंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया था पनीर लबाबदार के लिए। टमाटर सीड्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जिंजर गार्लिक डाल दी है और लौंग और इलायची भी डाल दी है। और अब इसे हम कवर करके रख देंगे और इसे हम बॉईल होने देंगे जब तक कि टमाटर हमारा बिल्कुल कुक और मशी ना हो जाए। और अब हम बनाने वाले हैं छोले। तो छोले मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। तो इन अ पैन आई एम एडिंग अबाउट 2 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल और अब इसे हम गर्म होने के लिए रख रहे हैं। तो जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं छोलों को थोड़ा सा रफली मैश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड मैशर। इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपको साबुत छोले ही पसंद है तो आप इसे मैश ना करें। और यहाँ पर तेल भी गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने डाला है जीरा, अजवाइन दोनों 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हींग डालूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 3 ग्रीन चिलीज एंड 1 बे लीफ। और अब हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे जिससे कि जो रॉ फ्लेवर है जिंजर गार्लिक का वो चला जाएगा और छोलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ चॉप्ड अनियन और अनियन डालते ही इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूंगी जिससे कि अनियन जो है तुरंत अपना पानी छोड़ देगी और बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। और अब मैं अनियन को कुक करना है अंटिल इट इज नाइस लाइट ब्राउन इन कलर। तो जब तक अनियन कुक हो रही है तब तक मैं अपना टमेटो का मिक्सचर भी देख लेती हूँ। तो देखिए, टमेटोज कुक हो चुके हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसकी प्योरी बनाएंगे।
और यहाँ पे अनियंस कुक हो चुकी हैं, तो अब इसके अंदर मैंने 1 chopped tomato भी ऐड कर दिया है और अब इसे भी अच्छे से मैं कुक कर लूँगी। आप बीच बीच में चलाते रहें जिससे कि आपकी सब्जियाँ जले ना। और यहाँ पे अब मैं बाकी की बची अपनी प्याज भी चॉप कर लूँगी पनीर लबाबदार के लिए। और देखिए यहाँ पे अनियन और टमेटो अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब इसमें मैं सारे मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोला मसाला अराउंड 1.5 teaspoon, उसके बाद मैं कोरिएंडर पाउडर एंड किचन किंग मसाला डालूँगी जस्ट 1/2 teaspoon। और ये मसाले बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें जिससे कि मसाले जो हैं वो इवनली कुक हों और जलें भी ना। तो देखिए 2-3 मिनट में मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर अपना छोला भी ऐड कर दूंगी। छोला रेसिपी इज़ अ हिट फॉर पॉटलक पार्टीज़। अगर आप पॉटलक पार्टीज़ इस बार प्लान कर रहे हैं तो आप छोला ज़रूर बना के लेकर जाएं, बहुत ही अच्छा लगता है सभी लोगों को। और अगर आपको छोला थोड़ा सा थिक पसंद है तो आप इसमें थोड़ा कम पानी ऐड करें, बट मुझे थोड़ा सा छोला जो है वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का पसंद है, इसलिए मैं इसमें अराउंड 1 cup पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे बॉईल होने देंगे और यहाँ पे मेरा टमेटो का जो मिक्सचर था वो भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसकी प्योरी बना लेंगे अपनी सब्जी बनाने के लिए। तो देखिए छोला बिल्कुल बनके रेडी हो गया है और अब इसे मैं एक ग्लास कंटेनर में निकाल लूंगी। और यहाँ पे मैं पानी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ चावल कुक करने के लिए। और अब हम बनाते हैं पनीर लबाबदार। तो यहाँ पे मैंने लिया है जस्ट 1 teaspoon घी, उसमें डाला है थोड़ी सी क्यूमिन सीड्स और हींग, और उसके अंदर मैंने डाला है सिनेमन स्टिक, बे लीफ और ग्रीन चिलीज। सिनेमन स्टिक से एक नेचुरल स्वीटनेस आएगी आपकी सब्जी में जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। और जब इन सारी चीज़ों का फ्लेवर आपके घी में आ जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर अनियन डाल रही हूँ, और अनियन के डालते ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी जिससे कि अनियन बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं चावल ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड वाटर में जिससे कि चावल भी अच्छे से बॉइल हो जाए। और यहाँ पे मेरी अनियन भी कुक हो चुकी है, तो अब इसके अंदर मैं अपनी प्योरी डाल दूंगी जो कि मैंने जस्ट अभी अभी बनाई थी। और मैंने अराउंड 1 cup मिल्क लिया है फॉर मेकिंग दिस सब्जी, तो उसमें से थोड़ा सा मिल्क मैंने ब्लेंडर में डाल के उसे अच्छे से रिंस कर लिया है और उसे भी मैंने ग्रेवी में डाल दिया है। और अब इसे एक बार हम चला देंगे और कुक होने देंगे। और यहाँ पे मेरा राइस भी बॉईल हो चुका है और उसे मैं तुरंत से ठंडे पानी में रिफ़्रेश कर रही हूँ जिससे कि इसके ग्रेन्स जो हैं वो आपस में चिपके ना और आपका बहुत ही खिला खिला राइस बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जी जो ग्रेवी है अच्छे से कुक हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने पनीर मसाला डाला है 1.5 teaspoon, और उसके बाद 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर एंड किचन किंग मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मसाले को भी अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल सब्जी बनाने के लिए। नाउ आई एम एडिंग द रेस्ट ऑफ द मिल्क टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेवी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पानी से भी बना सकते हैं ग्रेवी को, और लेटर आप ऊपर से इसमें फ्रेश क्रीम डाल दें, बट जस्ट टू कीप द कैलोरी काउंट लो मैंने इसके अंदर फुल क्रीम मिल्क का यूज़ किया है। तो देखिए ग्रेवी अच्छे से मेरी बॉयल हो चुकी है और बस अब मैं इसके अंदर पनीर पीसेस डालूंगी जिसे मैंने ट्राइंगुलर शेप में काटा है। और पनीर पीसेस डालते ही आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें, अदरवाइज आपका पनीर जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और इसी टाइम मैं अपने सारे सिनेमन स्टिक्स एंड बे लीफ निकाल लूंगी जिससे कि वो सर्व करते वक्त मुंह में ना आए।
और अब मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टीस्पून घी लिया था और उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालते ही मैं तुरंत अपना राइस डाल दूंगी, अदरवाइज़ जीरा काला हो जाता है और जो कि राइस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बस ऊपर से मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी एज़ पर द टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही लाइट हैंड से आप इसे मिक्स करें, अदरवाइज़ चावल के जो ग्रेन्स हैं वो टूट जाते हैं, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर और अब मैं बनाने वाली हूँ अजवाइन पराठे के लिए डो। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हीट फ्लोर लिया है, उसमें 1 टीस्पून अजवाइन इस तरीके से मैं क्रश करके डाला है, और सॉल्ट मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ जस्ट टू ऐड सम फ्लेवर, और इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करके पानी से इसका डो बना लूँगी। और डो बनाने के बाद इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करूँगी जिससे ये सूखे ना और एज इट इज़ रहे जब तक हम पराठा बनाएं। और अब मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता। तो यहाँ पे बूंदी भी फ्लफ हो चुकी है, और एक कंटेनर में मैंने दही लिया है जिसे मैं विस्क कर रही हूँ उस चम्मच से ही। अगर आप चाहें तो विस्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर रई का यूज़ कर सकते हैं। और ये अच्छे से विस्क करने के बाद इसे मैं बूंदी में मिला दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले मिलाऊंगी। तो मसालों में मैंने डाला है जस्ट थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, और थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैं छौंके वाला रायता नहीं बना रही हूँ, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट मेक इट। और इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ भुना जीरा और फ्लैक्सीड पाउडर का मिक्सचर। फ्लैक्सीड से रायते में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जस्ट टू ट्राई इट आउट। और बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी और मेरा बूंदी का रायता भी बन के रेडी हो जाएगा। और अब बनाते हैं मूली के लच्छे। तो मूली का जो एक्सेस पानी है उसको मैं अच्छे से इस तरीके से स्क्वीज आउट कर दूंगी। इसमें मैंने पहले से सॉल्ट डाल के नहीं रखा था, हमें बहुत ज़्यादा पानी स्क्वीज नहीं करना है इसका, जस्ट इसका जो चरचरापन होता है वो पानी से वो मूली से निकल जाए, इसीलिए हम इसका पानी जो है वो स्क्वीज आउट कर रहे हैं। और उसके अंदर मैंने एक टमाटर डाल दिया है, ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स डाल दी हैं, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, और उसके बाद 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस डालूंगी, और उस ऊपर से मैं इसमें भुना जीरा और फ्लैक्सीड पाउडर ऐड कर रही हूँ। और बस इसे फोर्क से मिक्स कर लें। ये बहुत ही एक अमेजिंग आपकी जो है डिश बन जाती है डिनर में सर्व करने के लिए। इट सर्व्स अस अ ग्रेट ग्रेट सैलेड। और अब मैं बनाने वाली हूँ अजवाइन पराठा। तो पराठा बनाने से पहले एक बार मैं आटे को थोड़ा सा फिर से मल लूँगी जिससे कि वो थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अब मैंने बॉल साइज अमाउंट का डो अपने हाथ में लिया है, इस तरीके से मैं इसे रोल कर रही हूँ, और रोल करने के बाद इसे हम राउंड शेप में फ्लैट करेंगे। और जब इस तरीके से ये राउंड हो जाएगा तो इसकी फर्स्ट लेयर पर मैं थोड़ा सा घी स्प्रेड करूँगी। और आज हम पॉकेट फॉर्म में पराठे बनाने वाले हैं, तो देखिए इस तरीके से मैं इसकी पॉकेट बना रही हूँ। दो साइड से मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है, और अब इस लेयर पे भी मैं थोड़ा सा घी स्प्रिंकल करूँगी, और उसके बाद इसे दोनों साइड से फिर से फोल्ड कर दूँगी, और फिर थोड़ा सा व्हीट फ्लोर से डस्ट करते हुए इसे हम रोल कर लेंगे। और हम इसे अच्छे से फ्लिप करके तवे पे सेक लेंगे विद द हेल्प ऑफ देसी घी। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। अगर आप इस डो को 1-2 घंटे पहले बना के रख देंगे तो बहुत ही अच्छी इसमें लेयर बनेगी। तो देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है। तो ये थी आज की रेसिपीज। आई रियली होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो भी आपके दिवाली पे घर पे आने वाले हैं। और बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड वंस अगेन अ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।